बनूंगा तो इंस्पेक्टर ही बनूंगा, बनूंगा तो इंस्पेक्टर ही बनूंगा, नहीं तो फिर अगला साल देखूंगा। ये आपकी तीसरी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट वाले की सैलरी होगी 70,000 और प्राइवेट वाले की सैलरी होगी 5,00,000, तो भी लोग गवर्नमेंट वाले की तरफ जाएंगे हमेशा। मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के एनालिसिस को छोड़ दे तो आप चार घंटे पढ़ते थे। अब इंडिया के उन 0.1% में से, उन क्रीम लोगों में से हो, मुझे लगा हो नहीं पाएगा, कोचिंग से तो कतई नहीं हो पाएगा मुझे ऐसा लगा। मतलब मुझे तो ये लगता है कि मेरी सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल है। मैं बताता हूँ जितने लोग सिलेक्टेड है सबके सिलेक्शन में इसका रोल है। ऐसी एक मूव काम आएगी जो एक मूव काम आपने 50,000। अक्षय कुमार, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट, ये है किशन कुमार गुप्ता। ये फिलहाल SSC सीरियल 2019 के थ्रू इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हैं GST डिपार्टमेंट में। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जैसे कि SSC CHSL, IB, FCAT, और मतलब ऐसे इस लेवल के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम है, कोई मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक आधा एग्जाम रह गया होगा जिन्होंने क्रैक नहीं किया, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम जिन्होंने क्रैक कर लिए हैं और सारे ही फर्स्ट राउंड में क्रैक किए हैं। और एक बहुत अच्छी बात इनकी मैं बताऊं, सीजीएल 2019 जो इनका फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में इन्होंने क्रैक किया। और इनकी एक बहुत बढ़िया बात कह लो या कुछ भी कह लो, उसके बाद इन्होंने और कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, ना 20 दिया, ना 21 दिया, ना 22 दिया, कि भाई ठीक है सिलेक्शन हो गया तो हो गया, क्या जरूरत है फालतू अटेम्प्ट देने की। जो मेन ड्रीम पोस्ट थी वो ड्रीम पोस्ट मिल गई है सीजीएल 19 के थ्रू, तो फालतू वेस्ट नहीं करना। और बाकी जो एग्जाम्स दिए थे वो तो चलो हर आदमी देता है कि भाई कोई ना कोई नौकरी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इनकी जर्नी जानेंगे, इनकी बुक लिस्ट जानेंगे, इनका टाइम टेबल जानेंगे, यानी कंप्लीट बात कर लेंगे। एक कोई भी फ्रेशर हो या कोई भी ऐसा एस्पिरेंट हो जो तैयारी कर रहा होगा SSC CGL की या इस लेवल के किसी भी एग्जाम की, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इतनी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, इनकी पूरी जर्नी और इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्रैक कर रहा, इन्होंने कोचिंग ली थी, सेल्फ स्टडी करी थी, किस बुक से पढ़े थे, हर चीज के बारे में आपको बताएंगे। और इनका खुद का भी एक चैनल है इंस्पेक्टर किशन के नाम से, उसका लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा मैं, तो आप खुद भी जाओ तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, इनसे कुछ भी पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। तो ज्यादा देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इनसे छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद आगे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे और ये बताते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर कि आप मुझे बुलाए यहाँ पे और यहाँ बैठने का मौका मिला मुझे। मेरा नाम किशन गुप्ता है और मैं UP से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने BSC किया। BSC के बाद मैं मेनली स्पोर्ट्स में ही रहा था, पढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट ज़्यादा था नहीं। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी ने बोला कि भाई कुछ नौकरी वोकरी भी करनी है, तो मैं कहा चलो भाई एक बार देख लेते हैं। पता चला कि सीजीएल एक ऐसी जॉब है जहाँ पे हम कुछ अच्छी जॉब कर सकते हैं, तो सीजीएल के लिए मैंने ट्राई किया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर लिया था। 2019 में मेरे 630 मार्क्स था आउट ऑफ 700 और उसमें मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया और अभी मैं चेन्नई में पोस्टेड हूँ और मैं खुश हूँ। चेन्नई में पोस्टेड है और 2019 का इन्होंने स्कोर भी बता दिया, आप लोगों को स्कोर कार्ड भी दिखा देंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई कहीं ऐसे झूठ ना बोल रहा, स्कोर कार्ड भी दिखा देंगे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले एक मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मार्केट में ना एक हवा सा बना हुआ है, जैसे आपने पहले राउंड में क्रैक कर लिया तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। मतलब हर आदमी ये चेहरा कि भाई बहुत मुश्किल पेपर आ रहा है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या एक्चुअल में पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा है या लेवल कैसा रह रहा है एग्जाम्स का? लेवल तो जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है, लेवल का कुछ नहीं। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ सर, तैयारी करते हैं जो लोग, तैयारी जो कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हों, जो रिपीटर्स हों, सबके लिए सिर्फ कंटिन्यूटी है SSC क्रैक करने के लिए, और किसी दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस किसी से मिल जाए कि हमें क्या किताबें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, और उस चीज़ पे लगातार अगर आप एक साल तक पढ़ाई कर देते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं इंडिया में जो नहीं निकल सकता। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ सभी को। तो आपने क्या बुक लिस्ट फॉलो करी थी, कुछ बुक के बारे में बताओ अपने सर। जब मैं तो आया था फर्स्ट टाइम, तो आपको बताऊँ थोड़ी सी स्टोरी देता हूँ। हाँ, मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो KD कैंपस में एडमिशन लिया था मैंने, क्योंकि भाई आप जानते हैं सब बिग बोन। तो KD कैंपस में एडमिशन लेने के बाद मुझे सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी लगी कि मुझे लगा हो नहीं पाएगा, कोचिंग से तो कतई नहीं हो पाएगा मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था तो मेरे नंबर 40-45। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट कौन से लगाते थे आप? मैं उस समय KD कैंपस में संडे का मॉक देता था, जो संडे मॉक होता था उस समय, ठीक है। बाद में जब धीरे धीरे समझ में आने लगी चीज़ें तो फिर चेंज हुआ प्लान। फिर मुझे लगा कि कोचिंग से नहीं हो पाएगा, मतलब मेरी इंटरनल फीलिंग थी ये, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी मैं करूँगा। यूट्यूब पे भी उस समय जियो आ गया था तो ईजिली यूट्यूब मिल गया था अच्छे से, और आप लोग जैसे बहुत सारे उस समय पहले थे जो बच्चों को गाइड कर रहे थे, और उस समय लगभग मुझे ऐसा लगा कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हर टीचर से लेके पढ़ी हैं, सारी सेल्फ स्टडी की। गुरुकुल आपने जानते होंगे, मे बी गुरुकुल से 61 है, गौरव सर हमारे हैं वो चलाते हैं, उनके पास भी जाके मैं रहा था उस दिन, वहाँ से मुझे कंसिस्टेंसी मिली। वहाँ जाके मैंने मॉक टेस्ट दिया, टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट मैंने मेनली फॉलो किया है हमेशा से। मैं खुद भी जब स्टडी करता था तो मैं भी जनरली टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट ही प्रेफर करता था, तो अच्छे मॉक टेस्ट मुझे बेस्ट लगता है। उनका क्या है कि उनका जो पैटर्न है ना,
काफी हद तक मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है वो ज्यादा भटकते नहीं रहते इधर उधर और इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी नहीं रहते उसमें जो लेवल उनका एग्जाम एक्चुअल एग्जाम में वही एक और ये भी बात बताना चाहूंगा कि जो मैंने टेस्ट बुक पे भी मॉक अटेम्प्ट्स किए हैं ना वो मैंने प्रीवियस ईयर ही किए हैं। हां प्रीवियस ईयर का ही खेल है सारा। ऐसा भी नहीं कि जो उनके स्पेशल मॉक्स वो खुद बना के देते हैं। हाँ, वो मैंने बहुत ही कम किया है। हाँ, मैंने उस पे भी सिर्फ प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस की है। प्रीवियस ईयर का ही खेल है मुझे तो लगता है एसएससी में। तो यही था मेरा स्टार्टिंग, वहां से हुआ। फिर मैंने अपने धीरे धीरे यूट्यूब से तैयारी करते 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 सेल्फ स्टडी से ही हो गया। और बुक्स वगैरह जो है वो बुक्स मैंने मेनली किरण की बुक फॉलो की थी। किरण की प्रीवियस ईयर केवल। ये देखो मैं दिखाना भी चाहता हूँ, मैं खुद भी किरण की बुक से ही पढ़ा हूँ मोस्टली। मैं बताता हूँ इसी किताब से मैंने पढ़ा ये, जैसे मैथ्स की है ऐसे ही और भी इंग्लिश जीके रीजनिंग सारी बुक्स आती हैं किरण की बुक्स मेनली फॉलो की मैंने कंप्लीट करनी है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि मेरी सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल है किरण की बुक का। तो मैं बताता हूँ जितने लोग सिलेक्टेड हैं सबके सिलेक्शन में इसका रोल है। ये तो नई बुक है लेकिन जो अपने समय पे जैसे जो मेरे बड़े भैया हैं अभी आप मिले थे उन्होंने जब प्रिपरेशन करी उन्होंने खरीदी थी अपने समय पे बुक। अब तो काफी 11,500 भी हो गई है। मुझे तो लगता है ये 11,500 के भी 12,000-13,000 सवाल हो चुके होंगे करंटली जो बुक चल रही होगी। तो उनके समय पे तो कुछ 5,000 के आसपास सवाल थे पहले वो पढ़े उसी किताब से। इससे भी और ऐसी एक वो एडवांस मैथ्स की भी आती है उससे भी पढ़े फिर उसी किताब से मैं पढ़ा और अब वो किताब मैंने संभाल के रखी है स्पाइरल वाइंडिंग करा के भी आपको दिखाऊंगा। वेरी गुड। तो वो संभली हुई है तो मैं खुद उसी से पढ़ा क्योंकि बहुत बढ़िया मुझे लगा इनका कंटेंट। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही चले आप कुछ आपने ऐसा हटके तो नहीं पढ़ा जैसे मैंने कहता है कि भाई मुश्किल एमबीए वाले सवाल पढ़ो कैट वाले सवाल पढ़ो। देखा होगा जब एक बार 17 का पेपर जब टफ आया था उस समय तो मैं ग्रेजुएशन में था। हाँ। लेकिन फिर भी मैं एसएससी सीजीएल का फॉलोअप लेने लगा था। हाँ, क्योंकि एकदम से मार्केट में जो मार्केट में नए क्वेश्चन आए थे ना उस समय जो एक कैट की कोई बुक आती थी पता नहीं कौन सी मुझे नाम भी याद नहीं है वो मैंने खरीद ली थी जब जल्दी जल्दी में कि भाई मुझे अब यही करना है। और वो किताब आज तक मेरे पास नहीं पड़ी हुई है वो कहीं दीवान में रखी हुई होगी कभी नहीं खोल के देखा मैंने। क्योंकि जब ज्ञान आ जाएगा ना आपको कि आपको किस चीज को पढ़ने से सिलेक्शन होगा तो वो सारी किताबें रिलेवेंट है। तो ये जो मैंने इनसे सवाल किया ना ये इसका मेन मोटिव मेरा यही था कि मैं भी हमेशा हर वीडियो में ना सबको यही गाइड करता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा मुश्किल के चक्कर में मत फंसो। अब मैं ही नहीं ये देख लो एक और मेरे साथ बैठे हैं सिलेक्टेड फर्स्ट राउंड में और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सिलेक्टेड ये भी आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है मेन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो। मतलब एक जो कंटेंट है वो लिमिटेड रखो और टू दे पॉइंट रखो आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुश्किल सवाल आए भी लिमिटेड से आते हैं सबके लिए होते हैं। हाँ सबके लिए है और वो कभी मतलब ऐसा मुश्किल सवाल आ भी गया ना आप कितना ही पढ़ के चले जाओ आपसे होगा भी नहीं फिर क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर होता है ना आप घर पे बैठ के एग्जाम वहाँ गैस वर्क ही चलेगा गैस वर्क और जुगाड़बाजी ही जुगाड़बाजी चलती है। मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे ना अलजेब्रा और ज्योमेट्री के तो उसमें मैं तिकड़म करता था कि अगर ये एक्स वाई कट सकता है यहाँ से और एंगल्स में क्या खेलता था कि या तो 180 होगा या तो 90 होगा उसी में से माइनस जुगाड़ वाले काम होते थे बस सब चलता। ये जुगाड़ भी आएगा ना सर आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा जब आपकी कॉन्सेप्ट खुद से डेवलप होने लगेगा ये जुगाड़ आपको अपने आप आने लगेगा। मैं तो बस यही बोलता हूँ कि सर प्रीवियस ईयर करो बस वो इतना ही काफी है मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कुछ जरूरत है। अच्छा एक ये चीज और बताओ कि आपने जो प्रेफरेंस भरी थी अपनी पोस्ट रेवेन्यू उसमें आपने जीएसटी को कौन से नंबर पर रखा था? सर मैंने पहले नंबर पे तो प्रिवेंटिव को रखा था प्रिवेंटिव ऑफिसर और दूसरे नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर रखा था और तीसरे नंबर पे ऑडिटर था और मैंने पूरा खाली छोड़ रखा था। सिर्फ तीन ही भरी थी आपने? भर के आया था मैं उसके बाद कोई भी नहीं भरी। कोई भी नहीं यार ये तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा भाई। मैं ये कहूंगा कि ठीक है सारी भर के आओ चाहे आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो कुछ भी हो लेकिन रिस्क मत लो क्योंकि वहां तक आप पहुंचे हो तो आप रिस्क लेने की स्थिति में हो नहीं। सारी भरो मैंने भी सारी भरी थी। हाँ तीन चार आप सोच के भरो कि मैंने भी स्टार्टिंग की तीन चार सोच के भरी थी फिर मत सोचो। लेकिन ऑडिटर क्यों रख दिया आपने जीएसटी इंस्पेक्टर के बाद? इससे और मतलब काफी और अच्छी पोस्ट है एग्जामिनर है। अच्छा ऑडिटर मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मेरा भैया डबल ए आपको मैंने बताया था तो उसने मुझे बताया कि ऑडिटर में ग्रोथ है उसमें कोई एक एसएस एग्जाम होता है उसको लेके आप डबल ए हो सकते हैं डायरेक्ट एग्जामिनर इनकम टैक्स एमईए सीएसएस इनमें सीबीआईईडी कुछ भी नहीं मुझे मालूम था ये तो मिलेंगे नहीं टू बी ऑनेस्ट नहीं मिलेंगे लेकिन अपनी साइड से तो ट्राई करनी चाहिए। लेकिन मैंने डाला मेरा कितना 4 नंबर से रह गया 634 नंबर कट हो गया था प्रिवेंटिव ऑफिसर नहीं तो आप पीओ होते हैं नहीं तो पीओ होते 630 मेरे मार्क्स थे। कोई बात नहीं ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जो आपको मिला है और पीओ तो आप कभी भी डेपुटेशन पे तो जा ही सकते हो उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। तो आप फिर यूनिफॉर्म में कैसा फील करते हो अपने आपको आप और आपकी फैमिली को कैसा लगता है आपको यूनिफॉर्म में देखकर? फील होता है ऑब्वियसली प्राउड आपको मुझे लगता है आपसे ज्यादा आपकी फैमिली को प्राउड फील होता होगा। सर उन्हीं की तो मेहनत है ना सारी। मैं आपको बताऊं मैं अपनी फैमिली से दूर रहा हूं 2004 से। अच्छा आपकी एजुकेशन भी बाहर हुई है? सब बाहर हुई है। मैं थोड़े से हमारे फैमिली जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से रिमोट एरिया में रहते हैं। ठीक है। और मेरी माता जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने भी बहुत कष्ट किया मुझे बाहर भेज के क्योंकि कोई बात दूर नहीं रह सकती अपने बच्चों से। लेकिन उन्होंने सिर्फ
इसलिए भेजा है कि मैं कुछ बन पाऊँ। मैं बचपन में जब 8-7-8 साल का था तब से ही घर से बाहर हूँ। तो पेरेंट्स का तो मेरा भी ये मानना है कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल ही पेरेंट्स का है। अगर वो आपको सपोर्ट ना करे तो आप उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बचपन से बाहर निकल आया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं था पढ़ने के लिए। तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बनारस भेज दिया पढ़ाई करने के लिए कि तू भाई जा बाहर अच्छे से पढ़ाई कर, आज रिजल्ट है आपके सामने। और मुझे लगता है कि मोटिवेशन भी शायद सबसे बड़ा आपका जो मोटिवेशन का एंगल होगा वो यही होगा, या अगर कुछ और है तो वो बताओ। मेरे मोटिवेशन का एंगल सिर्फ एक ही था सर। मैं तो आपको बताया ना, मैं पहले स्पोर्ट्स में था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था नौकरी करने में। मैं सिर्फ खेलता था पूरे दिन। मैंने बैडमिंटन खेला, क्रिकेट खेला, अच्छे लेवल तक खेला, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नौकरी की जरूरत है। अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं हर चीज, मैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे सिर्फ एक चीज वहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ कि आखिर मैं इस काम को करना क्यों चाहता हूँ। वही मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन फैक्टर रहा। और शायद इसी वजह से ही आप पहले राउंड में कर पाए, नहीं तो बहुत लिमिटेड लोग हैं ऐसे जो पहले राउंड में। क्योंकि सर जब भी आप तैयारी करते रहते हैं ना तो बहुत सारे डीमोटिवेशन आते हैं, आप डिप्रेस होते हो कि मार्क्स नहीं आ रहे, एंग्जाइटीज होती हैं, घर से दूर है, सुबह पता नहीं क्या खाए थे, शाम को पता नहीं क्या खाएंगे, बाहर जानते हैं आप क्या कैसा मिलता है खाना, घर वाली बात तो कहीं। तो बहुत अंदर से आपको डिमोटिवेट करता है कभी कभी। लेकिन उस समय मैं सिर्फ यही सोचता था कि ना कि मैंने स्टार्ट क्यों किया है, और इसको सोचते ही ना वो सारे मोटिवेशन फिर से वापस आए। तभी आप करवाए, क्योंकि देखो ये एक ऐसा एग्जाम है, इसका सक्सेस रेट जितने लोग फॉर्म भरते हैं और जितने सिलेक्ट होते हैं मुझे लगता है उससे भी 1% सक्सेस रेट है। लेकिन उस 1% में भी किनको ड्रीम पोस्ट मिलेगी, वो ड्रीम पोस्ट आपको मिली, तो वो 1% से भी कम आधा परसेंट मान लो, फिर आधे परसेंट में भी किनको फर्स्ट, जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रीम पोस्ट मिलेगी वो मुझे लगता है 0.1% होंगे हार्डली। तो आप इंडिया के उन 0.1% में से, उन क्रीम लोगों में से हो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी ड्रीम पोस्ट मिल गई एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में। थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में बताओ कि क्या टाइम टेबल। टाइम टेबल मैं मुझे मिला सियोर 60 से, जहां मैं गुरुकुल में तैयारी किया, वहां पे क्या टाइम टेबल था कि सुबह 6 बजे आपको उठना ही उठना है, उठ के सीधे मॉक अटेम्प्ट करना है, दूसरा कुछ काम नहीं करना, उसके बाद लाइब्रेरी जाना है, फिर लंच करना है, फिर लाइब्रेरी जाना है। और वहाँ पे सबसे अच्छा था ना, फोन अलाउड नहीं था। फोन अलाउड, ये फोन ही तो डिस्ट्रैक्शन है। 4-5 महीने में फोन से बिल्कुल दूर रहा। अभी आपने मेरा फोन देखा होगा, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं खरीदने में नया फोन। ठीक है, वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है, कोई मुझे आदत ही नहीं होना, वो बिल्कुल छूट चुका है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन है सर। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे दिन में टोटल, पूरा मिला लो कि इतने घंटे में पढ़ता था, इतने घंटे में मॉक टेस्ट को देता था, इतने घंटे में मॉक टेस्ट की एनालिसिस को देता था। तो एक ब्रेकअप पहले स्टार्ट होता था मेरा मॉक टेस्ट से, और रात के सोने से पहले मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता था। पूरे दिन में एक ये बता दो, दिन में मैं पढ़ता था सर मान के चलो 6-7 घंटे के आसपास, 6-6.5 घंटे पूरा मिला मॉक टेस्ट को मिलाकर। हाँ सब कुछ, मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के एनालिसिस को छोड़ दे तो आप 4 घंटे पढ़ते थे। अब यही चीज मैं पहले दिन से, जब से ये चैनल है, जब से मैं लोगों को कोशिश कर रहा हूँ उनको गाइड करने की, मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि अगर आप सीरियसली 4 घंटे पढ़ लेते हो ना, इफेक्टिव स्टडी मैटर करती है, मतलब वो 4 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं कि आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो वो 4 घंटे अगर आप इफेक्टिव स्टडी कर लेते हो ना तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है आपका। लेकिन कुछ लोग गाली देते हैं इस चीज पे भी, पागल है, ये कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। अभी मेरे भी जो चैनल है उस पे भी कुछ लोग तो हैं ही जो जुड़ रहे हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं सर कि आप मोटिवेट कैसे रहते थे और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कर लिया, हमें स्ट्रेटजी बताइए। मैं उनको हर बार बोल बोल के थक जाता हूँ कि भाई मैंने सब कुछ बता रखा है, आप उसको देख के एक बार इम्प्लीमेंट तो करिए। वो वही है, मैं भी, मेरे साथ भी यही है कि वीडियोस ना देख करके मैसेज आते हैं, तो मतलब कुछ जिस चीज़ की मैंने प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं उनको ये कहता हूँ भाई वीडियो देख लो, वो समझना है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको, आप मोटिवेट रहेंगे ना 2-4 मिनट मोटिवेट रहेंगे, लेकिन आपको पूरा मोटिवेट रहना होगा 6 महीने तक, तभी आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। चैनल बनाने के पीछे क्या स्टोरी है, चैनल क्यों बनाया आपने? क्योंकि मैंने आपको, जैसे फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। अब है या अभी भी नहीं? अब तो है, अब तो मिल गई है तो कर रहे हैं। तो मेरा ये शुरू से ऐसा था कि मैं थोड़ा चैनल, अपना यूट्यूब का चैनल होना चाहिए, लोगों को दिखाऊं कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है, तो लोगों को गाइड करूं। हाँ, लोगों को गाइड भी करूं, क्योंकि गाइड करने वाला ऑप्शन तो ये आ गया सिलेक्शन के बाद। तो ऐसा क्या है ना कि बहुत लोगों को लगता है कि कोई एक सरकारी नौकर है तो छोटी मोटी जिंदगी जीता होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह। तो मैंने इसलिए ये चैनल भी बनाया था कि आखिर मैं लोगों को दिखा सकूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी लाइफ क्या होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और एक देखो, इंडिया में हमारे जो लोगों की सोच है ना, मैंने तो मोस्टली जितने लोग देखा ना कि दो लोग बैठे हैं ना, एक सरकारी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक प्राइवेट है, गवर्नमेंट वाले की सैलरी होगी 70,000 और प्राइवेट वाले की सैलरी होगी 5,00,000, तो भी लोग गवर्नमेंट वाले की तरफ जाएंगे हमेशा कि यार नहीं भाई, ये सरकारी नौकरी है, ये अगर आज 70,000 कमा रहा है तो ये उम्र भर के लिए कमा रहा है 70,000। सीधी सी बात है। और साथ में कितनी सोशल रिस्पेक्ट है, कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी फैसिलिटीज। प्राइवेट वाले का क्या पता कब नौकरी चली जाएगी, कितने ले ऑफ चल रहे हैं, चाहे 5,00,000 रुपए महीने की सैलरी हो लेकिन कब चली जाएगी नौकरी। मैं लोग पूछते हैं ना सर कि क्या पावर है, कैसा है, तो मैं आपको बता दूं ना कि जब मैं सुबह उठ के ऑफिस के एंटर करता हूं ना, तो वहां पे 2-3 हवलदार खड़े होते हैं और वो सुबह उठ के सैल्यूट करते हैं, जबकि
यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन वो जो आपको उस समय हैप्पीनेस फील होती है ना, उस टाइम उस समय लगता है कि ओके आई एम सैटिस्फाइड। नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट पर हो आप, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी पोस्ट आपको मिली और मैं खुश भी हूँ। मुझे नहीं है कि मैं बहुत दूर चला गया हूँ। ऑफिस में भी आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है और जो लाइफ, मतलब जो एक आपकी नॉर्मल लाइफ है और जो वर्क है, उसमें बैलेंस आपका बन पा रहा है? सब कुछ बन पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि सर, जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर चुका हूँ ना, उस डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया पहले। तो जो बैलेंस की बात कर रहे हैं ना सर आप, तो ये जो मेरा प्रीवियस जॉब था जहाँ मैं काम करता था, वहाँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पोस्टेड था, तो वहाँ मेरा डेली 500-1000 लोगों से इंटरेक्शन होना था। तो वहाँ से मुझे कई चीज़ें सीखने को ये मिली कि किस आदमी से बात करना है आपको, किसको एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना है, किस इंसान को कैसे हैंडल करना है। तो वो चीज़ें मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मेरा लाइफ जो है वहाँ, जबकि ये लोग बोलते हैं कि कोई लैंग्वेज इशू नहीं है, लैंग्वेज इशू ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो तमिल स्टेट खाने का इशू भी होगा। खाने का इशू नहीं होता सर, मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे खाने का कोई टेंशन नहीं है, जो मिलता खा लेते हैं। स्पेशली इतना अच्छा खाना है वहाँ का, इतना लाइट खाना है, सुबह उठ के 4 इडली खा लो। इडली पे तो जिंदगी नहीं जी सकते भाई, लेकिन बहुत लाइट खाना है। अच्छा, तो ये मतलब आपने क्रैक तो बहुत सारे एग्जाम्स किए, लेकिन इससे पहले ज्वाइन कितने किए थे? ये आपकी कौन सी सरकारी नौकरी है? सर ये मेरी तीसरी है। ये आपकी तीसरी सरकारी नौकरी है? क्योंकि मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया आईबी, ठीक है, दूसरा मैं ज्वाइन करने वाला था लेकिन नहीं किया, वो था बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर, उसमें मेरा AIR 300 था। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर, सीपीओ भी क्लियर किया हुआ आपने? सीपीओ में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मेरा आया था, ज्वाइन लेटर पड़ी हुआ है मेरे पास घर पे, पापा ने उसको सजा फ्रेम करके रखा हुआ है। तो वो मुझे याद है शायद 12 जुलाई पिछले साल 2021 में ज्वाइन करना था मुझे। 12 जुलाई किसको ज्वाइन करना था? हाँ, 12 जुलाई 2021 को ज्वाइन। ज्वाइनिंग लेटर कब आया था? उसी समय आया था, जून में आया था, लेकिन लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और फिर तीसरी जॉब आई थी। तो एक बार फिर से बता दो कि कौन से गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स आपने क्रैक कर रखे हैं? सर सबसे पहले तो CHSL किया था। CHSL सबसे पहला एग्जाम जो मेरा रिजल्ट आया था, और उस समय मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा था स्टेशन के, और उस समय मेरी खुशी की ठिकाने नहीं थी, मतलब इतना खुश था मैं ना कि प्लेटफॉर्म पे भाई ट्रेन में मत कूद जाते खुशी से। सबसे पहले मैंने पापा को फोन करके बताया कि पापा मेरा FCAT का एग्जाम क्लियर हो गया रिटर्न। वो सबसे पहला एग्जाम मेरा वही था FCAT का। नहीं, पहला पेपर जब क्लियर होता है ना तो उसकी खुशी अलग होती है। मेरा पहला क्लियर होता है SSC CPO। अच्छा, तो उसकी खुशी अलग होती है, मतलब वो नहीं बता सकते आप, एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्या खुशी उसमें। ये दिखता है कि आपने जो मेहनत करी है ना, उसका फल मिल रहा है, उसका रिजल्ट दिखता है कि हाँ यार ये हो गया तो और भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सर मैंने वो 2 बार FCAT क्लियर किया, 2 बार CDS क्लियर किया, उसके बाद तीसरा जो मैंने DVC किया था वो CHSL का था, CHSL 18 का DVC किया था मैंने। फिर IB का मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ जिसमें मैंने नौकरी की 2 साल। उसके बाद CPO का रिजल्ट आया, CPO में मेरा BSF मिला सब इंस्पेक्टर, देन CHSL। ये जो आपकी ये बातें है ना, इससे पता चलता है कि आप कितने पॉजिटिव सोच वाले इंसान हो। देखो CHSL का DV आपने स्किप कर दिया कि यार क्यों मैं सीट खराब, क्योंकि मुझे करना नहीं था, करना नहीं था। फिर CGL 19 में हुआ तो आपने 2021 नहीं दिया कि सीट खराब। ये भी बहुत बड़ा मेन रीजन था कि मैंने टैक्स असिस्टेंट को नहीं डाला था प्रेफरेंस फॉर्म में, क्योंकि मैं नहीं करता। तीन ही तो आपने भरी थी प्रेफरेंस, वो तो रिस्की मामला है, वो आपको नहीं भरना चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा क्या ओपिनियन था, मुझे टैक्स असिस्टेंट की नौकरी नहीं करनी थी। बनूंगा तो इंस्पेक्टर ही बनूंगा, तो इंस्पेक्टर ही बनूंगा, नहीं तो फिर अगला साल देखूंगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 3 डाल के आया, इसीलिए मैंने CHSL की DVB स्किप की थी कि मुझे नहीं वो नौकरी नहीं करनी, मुझे उससे बढ़िया मैं बिजनेस कर लूंगा। बिल्कुल कर लूंगा। यही सर जर्नी रही अभी तक, और अब भी बहुत मजा आ रहा है मुझे काम करने, नौकरी में मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजा आने लगा है अब तो धीरे धीरे, क्योंकि आप भी GST में हो तो आप जानते हो कि कितना इंटरेस्टिंग काम है GST का। वो तो है, वर्सेटाइल काम है काफी, रोज कुछ ना कुछ नया, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑफ SSC CGL। कुछ ऐसी नौकरियां और भी हैं जिनका थोड़ा सा क्रेज ज्यादा है, या मतलब कुछ भी कह लो हुआ सा बना हुआ उन नौकरियों का, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है वैसे मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही है हर तरीके से। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप साउथ में पोस्टेड हैं, एक बहुत ना हुआ रहता है लोगों के मन में यार कि साउथ में जाके नौकरी नहीं करनी, और मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको साउथ में इंस्पेक्टर मिल सकता था, लेकिन वो साउथ में इंस्पेक्टर ना लेकर के नॉर्थ में TA की पोस्ट ले लेते हैं। और कुछ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो साउथ में पोस्टेड थे इंस्पेक्टर, उन्होंने नौकरी भी करी कुछ समय, 1 साल 2 साल 3 साल नौकरी करी, प्रमोशन भी होने वाला था फर्स्ट, लेकिन अगला जैसे CGL देते रहे तो इंस्पेक्टर तो नहीं बन पाए नॉर्थ में, लेकिन TA बने नॉर्थ में, तो वहाँ इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर भी TA बन के आ गए। तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालो कि कैसा लाइफस्टाइल है, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या कोई इश्यूज हैं, इशू नहीं है? तो देखो कोस्टल एरिया है, थोड़ी गर्मी है वहाँ, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये नॉर्थ वालों के लिए, वहाँ ठंड नहीं मिलेगी। मैं जब दिल्ली आया ना अभी थोड़े दिन पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील हुआ, ठंडा फील करके बॉडी को ठंडक महसूस हुई थोड़ी सी। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगी वहाँ पे, बट वो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपका ऑफिस है, AC ऑफिस होता है, मतलब एनवायरनमेंट ठीक है वहाँ का, कोई ऐसा आपको फील नहीं होता कि आप कहीं अलग आ गए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो लोग बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर है, तो आप बड़े शहरों में रहेंगे ना जैसे कोयम्बटूर, चेन्नई,
इन सब शहरों में कोई दिक्कत लैंग्वेज का कोई इशू नहीं, इंग्लिश इंग्लिश तो इंग्लिश सबको पता है और लोग हिंदी भी बोलते हैं वहाँ पे। अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जब आप बहुत ज्यादा इंटीरियर में चले जाते हैं गाँव में ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है पोस्टिंग्स तो जनरली तो अर्बन एरियाज में ही है, तो कम। अभी जैसे मैं तिरुनेलवेली में पोस्टेड हूँ, ये बिल्कुल कन्याकुमारी के पास है, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट्स हैं हमारे ऑफिस के, सारे इंग्लिश बोलते हैं, सबको इंग्लिश समझ में आती है, कुछ कुछ को हिंदी भी आती है, क्योंकि सारे कस्टम्स में कभी काम करके आए हैं, कोई कहीं DRI में काम करके आया है, तो सबको कुछ ना कुछ आता है, तो सब कुछ चल जाता है। बस लोग डरते हैं कि घर से बहुत दूर, घर से दूर, होम सिकनेस वाली बात। होम सिकनेस जिसको नहीं है ना सर, वो रह बहुत इंजॉय करेगा लाइफ। सबसे ज्यादा सर फायदा चेन्नई का क्या है ना, चेन्नई जोन या साउथ जोन जो भी हो, वहाँ पे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप तो जानते ही होंगे, आप तो डिपार्टमेंट के हैं, वैकेंसीज भी ठीक आती, वैकेंसीज भी ठीक आती हैं। और मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हुआ था एक बहुत हायर ऑफिसर्स के साथ, तो उन्होंने ये भी बताया था कि लड़की जो है नॉर्थ वाले सारे चले जाते हैं, साउथ में कुछ काम हो नहीं पाता, इसीलिए अब नॉर्थ में वैकेंसीज ना देके हम सब साउथ में, क्योंकि लोगों का ध्यान वही होता है कि यार अगले साल की प्रिपरेशन करके नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ में जाना है। लेकिन आपका मुझे लगता है वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप हैप्पीली काम कर रहे हो वहाँ पर, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपको बता दूं सर, वहाँ पे एक LDC जो ज्वाइन किया हुआ है ना, जो साउथ में, वो इस समय सुपरिटेंडेंट्स हैं। हां, प्रमोशनल एस्पेक्ट, सोचिए आप सर, सात सात प्रमोशन ले चुके हैं वहाँ पे वो, तो क्योंकि वहाँ इंस्पेक्टर्स नहीं होते हैं, हाँ, तो काम करने के लिए तुमको प्रमोट करना पड़ता है। मैं यही चाहता हूँ कि भाई देखो, है तो भारतीय ना सर, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर घर से दूर रहने का इशू नहीं है आप लोगों को, कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है, तो वो इशू नहीं है, तो बहुत अच्छी जगह है और बहुत बढ़िया है। और साउथ से अच्छा नेचर तो है नहीं, अच्छा वो तो है ही, कितना सुंदर नेचर है वो। तो कुल मिलाकर अब आप बिल्कुल एक ऐसा रामबाण बता दो हमारे एस्पिरेंट्स को कि आपने इतनी सारी सरकारी नौकरियां निकाली, फर्स्ट राउंड में निकाली ऑलमोस्ट सारी, तो कुछ ऐसे एक दो ऐसे टिप्स दे दो कि भाई ये रामबाण है कि ये तो आपको सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो ये करना ही करना है, और इसके साथ साथ ये बता दो कि क्या नहीं करना, क्या करना है तो बताओ बताओ, साथ में ये बताओ कि क्या नहीं करना है। दो चीज़ बताऊंगा सर, सबसे पहले तो एक ये बात, सबसे पहले अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये बाइफरकेट करना होगा कि आपको क्या नहीं करना है। मैंने यही किया था, ये आपको सब बता देंगे कि क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या नहीं करना है। और दूसरी चीज़ सर, ये भी एक बताना चाहूँगा, हो सकता है कि एरोगेंट फील हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप सजेशन उससे ही लीजिए जो बिल्कुल सक्सेस हो, कुछ जो कहते हैं फेलियर से लोग, या बिल्कुल फेलियर हो, हाँ, बीच वालों को छोड़ दो, बीच वालों से कोई सजेशन मत लीजिए, क्योंकि जो सक्सेस है ना सर, वो बताएगा आपको क्या करना है। जो फेलियर है, अगर वो आपका भरोसेमंद होगा तो वो आपको बताएगा क्या नहीं करना है। और यही दो चीज़ जाननी है आपको किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। सबसे पहले तो भाई ये डिसाइड करो कि तुम्हें करना है, और करना है तो फिर उसके लिए पूरी जी जान लगाओ। के बाद जहाँ तक रही सर टिप्स की बात कर रहे हैं, तो अगर SSC का कोई भी एग्जाम निकालना है तो भाई आपको प्रीवियस ईयर के होल बना के पीना पड़ेगा। हाँ, सीधी सी बात है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब जो भी किताब आप उठाओ उसको चाट जाओ, चाट जाओ, और 50 किताब नहीं पढ़नी किसी सब्जेक्ट की, एक किताब को 50 बार पढ़नी, बिल्कुल सीधी सी बात है। वो एक मूवी थी, उस मूवी में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि ऐसी मूव आपके काम नहीं आएगी जो आपने 50,000 बार प्रैक्टिस करी, हाँ वो ऐसी एक मूव काम आएगी जो एक मूव काम आपने 50,000 बार, वो अक्षय कुमार की मूवी थी सर, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उस मूवी का, वही मूवी थी। और कंटिन्यूटी मैटर करती है सर, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, पेशेंस रखिए, 8-10 महीने अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ाई करते हैं, कोई भी सरकार एग्जाम आराम से निकल सकता है, मोर देन एनफ। तो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो जो जो चीज़ें एक एस्पिरेंट के लिए डिस्कस करनी चाहिए हमने डिस्कस करी, फिर भी कुछ भी छूट गया हो तो इनका चैनल आपको बता ही दिया है, बिल्कुल उस चैनल पर चले जाना, वहाँ आप इनसे कनेक्ट कर लेना, इनसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, जो भी पूछना चाहो। और हमारा भी ये चैनल जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, वो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा करो। और ये आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनके काम आ पाए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।